आज हम बात करने वाले हैं श्वास और कास के सबसे पावरफुल दवाई के बारे में। हम बात करने वाले रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जहां ऊर्ध्व रक्त पित्त यानी नाक या मुंह में से खून आना, अधोग रक्त पित्त जहां यूरिन या गुद मार्ग से खून आना, या फिर तिर्यक रक्त पित्त यानी त्वचा द्वारा खून निकालना जो कि असाध्य पुराने त्वचा विकारों में हम देखते हैं। ऐसे रक्त पित्त के विकारों में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में इस दवा को सर्वश्रेष्ठ कहा है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अधातोड़ा वसिका यानी वासा इस आयुर्वेदिक द्रव्य के बारे में। जानते हैं वासा इस दवाई की पूरी जानकारी, इसका क्या डोज है, इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या रिसर्चेस, किस किस अलग अलग तरीके से वासा का इस्तेमाल किया जाता है, वासा का क्या महत्व है और क्यों हम सभी के घर पे वासा होना चाहिए, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। वासा को हिंदी में अडोसा, इंग्लिश में मलाबार नट, मराठी में अडोसा के नाम से जानते हैं। वासा के अगर प्रॉपर्टीज के बारे में हम जाने तो वासा ये तिक्त कषाय रसात्मक है, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट का है, ये शीत वीर्य का है, ये ठंडा है, और वासा ये कफ और पित्त का शमन करता है। सो वासा के बारे में अगर हम देखें तो कुछ साल पहले एक एलोपैथी में दवा थी और उस दवा के लेबल पर ऐसा मेंशन किया था, हाईलाइट किया था मार्केटिंग के लिए कि विद द वासा का इफेक्ट। उस वासा या उस बॉटल जो एलोपैथिक दवा है उसमें ब्रोमेक्सिन नाम की एलोपैथी दवा और वासा, ये दोनों कॉम्बिनेशन में थी और काफ़ी फेमस ये दवा थी, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होता था। और फिर कुछ साल बाद FDA ने ये प्रोडक्ट को बैन किया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि FDA सही है या गलत है, पर मेरा ये मैसेज है इस वीडियो में शेयर करना कि वासा को ब्रोमेक्सिन जैसे दवाई से कंपेयर किया है, उस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया है जो बताता है कि विद द वासा का इफेक्ट जो मार्केटिंग किया है, इसका मतलब वासा ये काफ़ी फेमस दवाई है और काफ़ी इफेक्टिव दवाई है अगर हम श्वास विकार के बारे में बोले तो। वासा यानी ये जो दवाई है अधातोड़ा वसिका, बचपन से होने वाले अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनमें कई बार आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इस्तेमाल करते हैं। कई सारे रिसर्च इसके एंटी अल्सर, इसके एंटी माइक्रोबियल और हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी पर हुए हैं और जहां पर प्रूव हुआ है कि वासा एक काफ़ी अद्भुत दवाई है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे हमने कहा कि रक्त पित्त के लिए वासा सर्वश्रेष्ठ है। त्वचा विकारों में एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो कि एक्जिमा के 7 प्रकारों में का एक प्रकार है, ऐसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस जिसे एलर्जिक एक्जिमा भी कहते हैं, ऐसे असाध्य जो एक्जिमा है, असाध्य त्वचा विकार है, यहाँ पर वासा के अद्भुत फायदे हम देखते हैं। वासा को कैसे इस विकार के लिए इस्तेमाल करना है हम वीडियो के कुछ एंड पार्ट में जानने वाले हैं। वासा के बारे में अगर हम देखें भाव प्रकाश निघंटु में क्या कहा है, तो कुछ ऐसा कहा है, श्वास कास ज्वर सर्दी मेह कुष्ठ शयपहम, यानी श्वास अस्थमा जैसे कंडीशन, कास यानी कफ कोल्ड, सर्दी यानी अगर वॉमिटिंग जैसे डिसऑर्डर्स है, ज्वर यानी सभी प्रकार के फीवर, कुष्ठ यानी स्किन डिजीजेस, जैसे कहा है कुष्णाति वपु, कुष्ठ की व्याख्या देते हुए शास्त्रकार बताते हैं कि ऐसी त्वचा जो सड़ गई है, कुष्णाति वपु स्किन डिजीजेस के लिए वासा का उपयोग है। क्षय जहाँ पर हम ट्यूबरक्यूलोसिस, एनेमिया, वीकनेस ये सारे चीज़ें कह सकते हैं, वहाँ पर वासा का उपयोग है। वासा का जूस आज दुनिया भर में पिया जाता है, काफ़ी इसके फायदे बताए हैं। वासा चूर्ण, वासा घृत, वासा सिरप फॉर्म में, वासादिकल्प नाम के दवाई में अवेलेबल होता है। वासा के अलग अलग बेनिफिट्स है, ये प्रमेह यानी डायबिटीज़ को कम कर रहा है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में वासा को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं कि अटॉपिक डर्मेटाइटिस में या त्वचा विकारों में कई बार वासा घृत 3 बार इसको अग्नि संस्कार, 3 बार इसको सिद्ध किया जाता है और वासा का अभ्यंतर प्रयोग यानी 2 से 4 चम्मच, 10 से 20 ग्राम अभ्यंतर सुबह अर्ली मॉर्निंग में इसका इंटेक डायरेक्टली या दूध के साथ मिक्स करके इसका इंटेक करने के लिए कहा जाता है। ये अभ्यंतर स्नेहपान शरीर के सूक्ष्म स्रोतस पर पहुंचकर वहां पर उसका काम करता है कफ और पित्त का शमन करने का। ये सेम वासा घृत 3 बार अग्नि संस्कार, बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध किया हुआ घृत
जो कंपनी के दवाई से काफी अलग है, ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर द्वारे आपको ये वासाग्रुत जरूर मिल जाता है। इस वासाग्रुत बनाए हुए दवाई का बाह्य प्रतिसारण करना, एक्सटर्नली इसे हाइड्रेट करना, हम देखते हैं कि इंटरनली जड़ में छुपा हुआ इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक होते हुए वासा बाह्य स्नेहपान, वासा अभ्यंतर स्नेहपान। सो स्नेहपान ये हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ का है त्वचा विकारों के लिए। सो स्नेहपान विथ वासा, वासा कफ कोल्ड के लिए वासादिकल्प का प्रयोग किया जाता है, वासा चूर्ण अलग अलग दवाइयों में अलग अलग कॉम्बिनेशंस में होता है। आज दुनिया भर में एक्टिवेट इंडिया ब्रोंकोमेड सिरप, जिसमें वासा हैवी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आज इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक घर घर में डॉक्टर टू डॉक्टर आज ब्रोंकोमेड सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, विच इज टोटली सेफ एंड रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन। सो वासा के बेहतरीन फायदे हैं, जितना हम कहे उतना वासा के बारे में कम है। ये थे कुछ बेनिफिट्स वासा के। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।